साथियों, आज आपको हम बताएंगे ICICI बैंक की क्यूक्स बैंकिंग के बारे में कि क्यूक्स बैंकिंग जो भी लोग लेंगे उनको कितने में मिलेगा, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी उनको, उनको बोर्ड मिलेगा, बैनर, आई कार्ड, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या उनको सैलरी भी मिलेगी, कब तक ये एक्टिव हो जाएगा, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग होगा या नहीं होगा, इन सारी चीज़ों पर आपसे जो है हम बताएंगे कि आप ICICI बैंक की क्यूक्स बैंकिंग को आसानी से कैसे लेंगे और क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कब तक एक्टिव हो जाएगी। साथियों, जैसा कि जानते हैं कि इस समय कोई भी कंपनी डायरेक्ट आपको जो है क्यूक्स बैंकिंग नहीं देती है, कोई भी बैंक इसमें आपको डायरेक्ट क्यूक्स बैंकिंग नहीं देती है। उसके लिए जो है बैंक कोई अपनी एक कंपनी को काम सौंपती है और उस कंपनी के माध्यम से आपको जो है क्यूक्स बैंकिंग मिलता है। उसके लिए जो है मैं बताऊंगा, जंबो टेक्नोलॉजी कंपनी के माध्यम से ICICI की क्यूक्स बैंकिंग 11,000 रुपये में मिल रही है और इसके लेने के लिए जो है आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने हैं, पेमेंट करने हैं, उसके बाद आपको एक हफ्ते से 10 दिन में आपको आईडी मिल जाएगा, यूजर आईडी मिल जाएगी और आप काम शुरू कर देंगे। अकाउंट ओपनिंग थोड़ा लेट से स्टार्ट होता है। अब देखिए, जो लोग जंबो टेक्नोलॉजी की आईडी चलाते हैं वो लोग यहाँ से डायरेक्ट भी जो है क्यूक्स बैंकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हमारे माध्यम से भी अप्लाई वो कर सकते हैं। साथियों से ध्यान रहे कि डायरेक्ट कभी भी कंपनी से आईडी अगर आप लेते हैं तो आपको सपोर्ट लेने में काफ़ी परेशानी होती है। कारण क्या है कि वो लोग 11 बजे के पहले फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, 4 बजे के बाद फ़ोन रिसीव नहीं होगा, छुट्टी के दिन फ़ोन रिसीव नहीं होगा, कोई भी जानकारी आपको टाइम टू टाइम नहीं मिल पाती है। साथ में ही जिस एम्प्लॉई से आपका संपर्क है अगर वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं या उनका प्रमोशन हो जाता है तो भी आपको परेशानी होती है। कमीशन आपको उतना ही मिलना है, पेमेंट आपका उतना ही लगना है, तो इसलिए आप आईडी हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से लें तो बेहतर है मेरी समझ से। इसके लिए क्यूक्स बैंकिंग का जो आप ऑप्शन दिया हुआ है, इस क्यूक्स बैंकिंग के लिए आपको जो है 11,000 रुपये पेमेंट करने हैं। 11,000 रुपये में आपको कंपनी की तरफ से ICICI बैंक का जो है पोर्टल दिया जाएगा। वो पोर्टल क्रोम ब्राउजर में नहीं चलता है, नेट एक्सप्लोरर में चलता है, वो भी विंडो 8 या विंडो 10 होना चाहिए। उसके लिए जो है आपको एक हफ्ते से 10 दिन का समय लगता है आईडी पासवर्ड आने में, जिसमें जो है आप APS की व अन्य सारी सर्विसेज आपकी एक्टिव हो जाती हैं। अकाउंट ओपनिंग 45 दिन से 60 दिन के बाद आपका चालू होता है। साथ में ही जो है सैलरी की बात करें, जो लोग 25 प्लस ट्रांजैक्शन करते हैं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जंबो टेक्नोलॉजी का जो है यहाँ पर जो लोगो है क्यूक्स बैंकिंग का, देखिए यहाँ पर जनरेट फार्म जंबो टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है आपको सुविधाएं क्या दे रहे हैं, 2100 रुपया पर महीना आपको देंगे लेकिन 25 ट्रांजैक्शन पर डे आपके होने चाहिए। साथ में ही दूसरा इनका यह है कि जो ICICI बैंक का लेन देन होगा उस पर 0.45% आपको देंगे, और वहीं अगर ICICI से अदर का अगर होता है, नहीं ICICI 0.45%, वहीं अदर का अगर आप काम करते हैं तो 0.35% आपको यहां पर कमीशन मिलेगा, और MATM का जो कमीशन है वो 0.32%, थोड़ा सा कमीशन यहां पर आपको बढ़ जाएगा। साथ में मिनी स्टेटमेंट का 1.25 रुपया मिलेगा जो सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन होंगे उस पर, और आधार पे से जो है चार्ज कटेगा 0.40%। तो साथियों, जिनको भी आईडी लेनी है वह 11,000 रुपया कंपनी के अकाउंट में या मेरे अकाउंट में पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट और डॉक्यूमेंट में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, लाइव फ़ोटो भेजेंगे, आईडी क्रिएट के लिए भेज दिया जाएगा और आपको आईडी मिल जाएगी।
तो साथियों, जिनको भी क्यूश बैंकिंग लेनी है वो लोग निश्चित होकर के क्यूश बैंकिंग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, जिनको भी अकाउंट ओपनिंग करनी है उनको जो है उनके सेंटर से ICICI बैंक का ऑफिस यानी बैंक 30 किलोमीटर के अंदर हो तो ही बेहतर है, क्योंकि इसमें जो भी आप अकाउंट खोलेंगे अकाउंट को आधार कार्ड उनका ले जा करके वेरीफाई कराना होता है बैंक में, और पासबुक वहीं से छपती है और वो बनती है। तो साथियों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।